एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेट जो है वो साल में आपको दो बार पेपर देने को मिलता है। उसके साथ ही अगर आप नेट में हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, ठीक है, जो कि एनटीए के द्वारा सीमित किया गया है कि अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं, ठीक है, तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप में पीएचडी करने को मिलेगा। ठीक है, कुछ 6 साल तक आपको जो है स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होती है वो मंथली 30 से 35,000 तक की होती है। आप स्कॉलरशिप में जो है इजीली अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेट क्या क्या होता है। अगर आप कॉलेज में एमकॉम कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और आप चाहते हैं कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, लेक्चरर लाइन में जाना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नेट क्वालिफाइड करना होगा। ठीक है, ये आपका साल में दो बार पेपर निकलता है, एक बार जून या जुलाई में निकलता है और एक बार निकलता है दिसंबर टाइम में। ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के अगर वहां पर वैकेंसी निकलती है तो आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। आप अपना इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कुछ टेम्पररी पीरियड पे एक जो फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होता है, या तो 10 मंथ का होगा या 11th मंथ का होगा, ठीक है, तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कॉलेज में जो है लेक्चर दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि यूजीसी नेट को क्रैक कैसे किया जाए। ठीक है, देखिए अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हैं या जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। ठीक है, आपको छोटी से छोटी जो बुक्स में लाइन लिखी होती है हर एक टॉपिक को लेकर के, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन लेके मत जाइए। मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगी कि शॉर्टकट मत मारना किसी भी चीज़ के लिए कि अच्छा ये टॉपिक में यही तो होता है, इस टाइप से मत करिएगा। आप उस टॉपिक को बिल्कुल ही उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके जाइए एग्जाम में अगर बैठने जा रहे हैं तो। देखिए 12th तक चल जाता है, बीकॉम तक भी चल जाता है अगर आप कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं पढ़ के गए हैं, लेकिन अगर आप किसी को पढ़ाने की बात करें तो आपको पहले खुद का नॉलेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप पहले खुद उस चीज का, आप खुद पहले उस चीज को पूरे तरीके से समझिए। अगर आप खुद नहीं समझेंगे तो सामने वाले को कैसे समझाएंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तरफ जाते हैं तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करने होते हैं। आप वहां पर फेक करके 3-4 लाइनें नहीं लिख सकते, आपको वहां पर एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना होता है, जो अगर सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। और अब आप सही ऑप्शन तभी चूज कर सकते हैं जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपके माइंड में थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि इस क्वेश्चन का तो मुझे दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तब तो आपको बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हाई प्रिपरेशन की जरूरत है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स लाना भी बहुत आम बात नहीं है। ये एक नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसमें अगर आप हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप जेआरएफ क्लियर हो जाते हैं तो वो हमेशा आपके साथ एक डिग्री की तरह चलता है कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड है, वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जानते हैं कि नेट की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले तो अपने 11th की बुक पूरी रीड कर लीजिए। इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सारे बुक जो है आप 11th की कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 12th की जो सारी बुक्स है वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। 12th में जो है मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज के जो ज़्यादा स्कोप होते हैं ना, वो सारे आप बुक्स को एक एक लाइन जो है आप उसको रीड करिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं, देखिए बीकॉम में भी वही हम पढ़ते हैं जो 11th 12th में हम पढ़ करके आते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, वो हमारा सिर्फ 11th और 12th की बुक से ही अच्छा क्लियर होता है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें नहीं होती तो वो आपको बीकॉम या फिर मास्टर्स में देखने को मिल जाती है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो आप पहले 11th और 12th की बुक को कंप्लीट करिए। उसके बाद आता है कुछ ऐसे जो एनटीए का सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारी थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, जिसके लिए मैं आपको सारे बुक्स बता दूंगी कि आपको कौन कौन से बुक्स रीड करने चाहिए। लेकिन कभी भी शॉर्टकट मत मानना कि हम तो ये टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, जो भी आएगा देख लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि नेट का एग्जाम इतना भी इजी नहीं होता है कि अब अगर आप जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिर्फ आप उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात जानते हैं तो आप बिल्कुल ये मत सोचेगा कि आप नेट का पेपर में अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्लियर कर जाएंगे, आपको वो ऑप्शन करेक्ट चूज करने को आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक आप WTO को पूरी तरीके से डिटेल में रीड नहीं करते तब तक आपका जो है नेट के पेपर में तो आपको ऑप्शन में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन WTO को लेकर के सही है। ठीक है, तो कोई भी शॉर्टकट मत मारिएगा। मैं आपको सारे बुक के लिस्ट दे दूंगी कि आपको कौन कौन से बुक रीड करनी है नेट के लिए और JRF के लिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर टोटल 10 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर लगाइए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है ना तो उस चीज़ को रीड करिए कि उस चीज़ में हमने ऐसा क्या मिस कर दिया जो हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को रीड करिए। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज और आपको लोगों को बताती हूँ, सेट क्या होता है। देखिए, नेट जो है वो आपको टेम्पररी बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बना देता है। ठीक है, एडहॉक बना देता है। आप उसको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बस कॉलेज में इंटरव्यू दे करके पढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर जब नया सेशन होगा तो आपको फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा। वो आपकी जॉब जो है परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो लोगों को नहीं पता होगा, नेट के थ्रू अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो वो आपकी जॉब बिल्कुल ही परमानेंट नहीं होगी अगर आप इंटरव्यू दे करके निकाल रहे तो। लेकिन वही अगर आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सेट या नेट दोनों में से कोई एक ही एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। अगर आपको नेट क्लियर है या सेट क्लियर है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेट की बात करें तो ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सेट क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आप मध्य प्रदेश से है तो आपका MPPSC के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर में एडमिशन होगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो RPSC के थ्रू आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में एडमिशन भर्ती होगा। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो CGPSC के थ्रू आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला जाता है। अगर आप मैं छत्तीसगढ़ से हूँ इसलिए मैं आपको CGPSC के बारे में ज़्यादा बता सकती हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, CGPSC होता है जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, टोटल उस पे पेपर दो होते हैं, एक होता है पेपर वन, एक होता है पेपर टू। पेपर टू में आपका सब्जेक्टिव होगा, जो भी आपका, जैसे मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो पेपर टू में हमारा कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा। जो भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है आप वही जो है पेपर टू में सिलेक्ट करिएगा। फर्स्ट पेपर में होता है जनरल नॉलेज ऑफ अवर स्टेट, ठीक है, यानी कि CG के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में पेपर वन में पूछा जाता है। हिस्ट्री क्या है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, वहाँ के सोशल एस्पेक्ट के बारे में आपको पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा पेपर वन में पूछा जाता है। अगर आप ये दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है, साथ में ही होता है, एक पेपर के बाद थोड़ा सा गैप, उनके बाद दूसरा पेपर आपका होता है और जो कि ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आप ये दोनों पास कर लेते हैं तब आपका होता है इंटरव्यू, कुछ एक महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है, ठीक है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको परमानेंट कर दिया जाता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, नेट और JRF के लिए टोटल आपके दो पेपर्स होते हैं, एक होता है पेपर वन, एक होता है पेपर टू। पेपर टू जो होता है आपका 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 2 मार्क्स ईच। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के लिए होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो अब जो पेपर टू है वो क्या चीज का होता है, आपके सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है। ये मत सोचिएगा कि कोई भी हम भर देते हैं सब्जेक्ट को और दे देंगे एग्जाम, ऐसा कभी मत सोचिएगा। जिसमें आपने पर्टिकुलर मास्टर हासिल करी है, मास्टर डिग्री हासिल करी है, आप सिर्फ उसी में ही नेट का फॉर्म भी भर सकते हैं और नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेपर वन में क्या होता है, आपका जनरल नॉलेज होता है। देखिए, इसमें भी टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट मान लीजिए, 10 चैप्टर्स मान लीजिए, जो भी। पेपर वन में होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो जो NTA का सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें टीचिंग शिप के बारे में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी। इसके लिए जो है आप पेपर वन के लिए बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, KVS मदन,
केवीएस मदन की रिसेंटली एडिशन आई हुई बुक आप परचेस करिए, उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसमें आपको हर एक चैप्टर का डिटेल भी मिलेगा, आप उसको रीड करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। इसके अलावा केवीएस मदन की बुक में भी एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये बुक का नाम आप याद रखिएगा पेपर वन के लिए, ठीक है, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है। अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए रिसर्च भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप रिसर्च ही तो करेंगे पीएचडी स्कॉलर के लिए, तो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, ठीक है। थर्ड में पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन, फोर्थ में पढ़ाया जाता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपके सीन पैसेज होते हैं, आपको देख करके आंसर लिखने होते हैं या टिक मार्क करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ डीआई होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीआई आपके टोटल 5 मार्क्स के आते हैं, कभी 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 5 मार्क्स के वैसे ज्यादातर आते हैं। तो डीआई आप अपना प्रैक्टिस बहुत अच्छा रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए डीआई के, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आप जो है तुरंत 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आप डीआई को कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हायर एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है। सेवेंथ है पीपल एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा क्या है, मैथमेटिक्स। देखिए जिन लोगों का मैथमेटिक्स वीक है, उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर आप मैथ्स को स्किप करके जाएंगे और सोचेंगे आपका जीआरएफ क्लियर हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। आप लोग को बकायदा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आपको अगर मैथ्स नहीं आता है, कोई बात नहीं, सीखिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए। बहुत ही कम मतलब एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली अगर कर सकेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, तो ठीक है। मैथमेटिक्स होता है, इसके अलावा क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है। प्रैक्टिस के लिए आपको केवीएस मदन की बुक में भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को ना स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स के मिल जाएंगे, ठीक है।